सॉरी सर, वो मैं आज लेट हो गई। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी और रास्ते में ट्रैफिक था, तो मैं आपसे फ़ोन भी नहीं कर पाई। सॉरी सर, माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं आरती, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, अरे लेट तो हुई है, क्या हो गया फिर? कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से आया करो, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है। और बात रही जहाँ तक फ़ोन की, फ़ोन किया नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे तुम्हारा अपना दफ्तर है, कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी आओ, जैसे मर्जी आओ। और तुम एक काम करो, छोड़ो छोड़ो सारी बातें, तुम आज यहाँ पर यहाँ बैठो, मेरे साथ बैठो तुम इस वाली कुर्सी पर, छोड़ो सारी बातें, आओ आराम से यहाँ पर आके बैठो। मतलब सर, आज आप यहाँ बैठने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे तुम कितनी परेशान और घबराती क्यों हो? कोई तुम बैठो ना मेरे पास, बैठो तुम आज, तुमसे कुछ बैठो तो, अरे तुमसे बैठो तो तुमसे कुछ बात करेंगे ना। बैठो, अच्छा बैठो, आराम से बैठो, तुम आराम से बैठो, बैठो बैठो आराम से बैठो, हाँ बिल्कुल कंफर्ट होके बैठ जाओ तुम, ठीक है ना। मतलब सर, आज आपने अचानक क्यों ऐसे बैठने के लिए कहा मुझे यहाँ? तुम आराम से, आरती तुम घबराओ मत, सबसे पहले तो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम बात को समझा करो थोड़ा सा ना। मतलब देखो मैं तुम्हारे को कुछ नहीं कह रहा, तुम लेट हो गई कोई, अरे ये सब चलता रहता है। पहले तो छोड़, ये बताओ तुम्हारे घर में कैसा चल रहा है सब, ये बताओ। ठीक है सब, कुछ सब ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बस थोड़ी मेरी मम्मा की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा बस। चलो और बताओ। अरे वैसे आजकल तुम मतलब दफ्तर में सही काम कर रही हो बिल्कुल, मैंने देखा हर बच्चे से मतलब आगे तुम अपना काम में भी बढ़िया मन लगा रखा तुमने, और वैसे भी तुम देखने में भी खूबसूरत हो और सब चीज़ ठीक है, तुम समझ रही हो ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम समझ रही हो ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहा हूँ? नादान मत बनो, देखो आरती तुम मतलब बच्ची तो हो नहीं, तुम्हें इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे ये भी पता है, चाहिए ना चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए ना। तो और वो तो सर आप मुझे मेरे काम से दोगे ना? अरे काम तो ठीक है, ऑफिस में सिर्फ काम ही नहीं देखा जाता, काम के साथ में और भी बहुत कुछ होता है, उसका भी ध्यान रखना होता है, समझ रही हो ना? और नहीं एक सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक लड़की को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम कंप्रोमाइज करो और तुम्हारे को अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलेगा, तुम मतलब समझो बात को, इतनी अच्छी हो, देखने में अच्छी हो, समझदार हो, खूबसूरत हो, बहुत तेज हो रहा है, क्या दिक्कत है कॉम्प्रोमाइज़ करने में? क्या दिक्कत है, इंक्रीमेंट होगा, काम करोगे अच्छा, आगे बढ़ोगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? ये क्या कह रहे हो आप? अरे क्या हो गया आरती, क्या तुम इतने गुस्से क्यों हो रही हो, बताओ? नहीं आप ये क्या कह रहे हो कि प्रमोशन लेना है तो ऐसे करना चाहिए, वैसे लड़के को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्या मतलब है? मतलब मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम फायदा नहीं उठाना चाहते हो, मतलब तुम आगे नहीं बढ़ना। तो मेरे काम से दोगे ना आप? तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते? बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अपनी मेहनत से बढ़ना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से बढ़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेहनत से कौन बढ़ा है आज तक, पता है कौन बढ़ा है? ये बताओ, कोई बढ़ा है आज तक मेहनत से? सिर्फ मेहनत से ही नहीं बढ़ा जाता। नहीं सर, मैं अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। अरे इस खूबसूरती का क्या करोगी, ये जब तक खूबसूरती तुम्हारे काम नहीं आएगी आगे बढ़ने में तो फायदा क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ। अरे मैं ये सब चीजें नहीं करके मैं बढ़ना चाहती आगे। तो तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दे रहा था और तुम उस चीज को नहीं समझ पा रही हो? मुझे अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, समझे आप? अरे आरती तुम यार कैसी बातें कर रही हो, तुम एक बार मेरी बात मानो तो। देखो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दूं, तो मेरी बात तो। हाय राम सर, आप कैसी बात कर रहे हो मेरे बारे में, ऐसा कैसे सोच सकते हो आप मेरे बारे में? मैंने कितनी ईमानदारी से यहां काम किया है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने आपका कितना साथ दिया है, मैं एक मिनट नहीं रहूंगी यहां पे, मैं जॉब छोड़ रही हूं, मेरे को नहीं रहना यहां पे। तुम तो आरती बुरा मान गए मेरी बातों को, इतना बुरा बुरा मानने की तो बात ही है सर, जब आप ऐसी बात कर रहे हो तो मेरे से। मैंने तुम्हें कितनी अच्छी बात बोली है कि तुम मेरी बात मानो। ये अच्छी बात है कोई? मैंने आपका कितना साथ दिया हर चीज में। तो जब तो मैंने तुम्हारे को ये ऑफर दिया है, तुम हर चीज में परफेक्ट हो, तुम कर सकते हो, तुम नहीं समझ रही उन चीजों को, तुम कहां से कहां पहुंच सकती हो? मैं एक मिनट खड़ी नहीं रह सकती यहां पे, मैं जा रही हूं यहां से, मेरा ग्रेजुएशन लेटर तैयार कर देना, मैं जॉब छोड़ के जा रही हूं यहां से, मुझे एक पल नहीं रुकना यहां पे। अरे अरे रुको आरती, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको रुको। नहीं सर मुझे नहीं रुकना यहां पे। अरे मेरी बात तो सुनोगी? नहीं सुननी। एक मिनट बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। तुम तो खामखाई बुरा मान गए, बताओ मेरी बातों का। अरे बुरा तो मानूंगी ना, आप ऐसे बोल रहे हो तो। अरे मेरी बात तो सुनोगी, मेरी बात सुनोगी? बोलो। तुम्हें तो पता है ना हम प्रैंक शूट करते हैं। हाँ तो ये भी एक प्रैंक था, सामने कैमरा, वो देखो ये देखो, अरे बाप रे, ये भी एक प्रैंक शूट चल रहा था पागल। अच्छा? हाँ मैं तो पता नहीं
क्या क्या सोचने लगी थी आपके बारे में। अरे तुम्हें तो पता है जब हम प्रैंक शूट करते हैं तो ये देखो ये भी प्रैंक चल रहा था, कैमरा लगा रखा है ना सामने, ये भी प्रैंक चल रहा था। सर आज आपने इस तरह का प्रैंक क्यों किया मेरे साथ? अरे आरती तुम्हें तो पता है यार कि क्या नाम है, आजकल लड़कियां ऑफिसों में काम करने जाती हैं, जॉब पे जाती हैं, इंटरव्यू देने जाती हैं, तो उनको किस तरह से मतलब उनका शोषण होता है पता है ना तुम्हारे को। तुमने कितनी बार मेरे को बताया कि सर मैं पहले जहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या बोला था, किस तरह से बोला था। तो ये इन महिलाओं को, जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनको महिलाओं को पता लगे कि उनको इन चीज़ों से सावधान रहना और सतर्क रहना है। दफ्तरों में इंक्रीमेंट करने के लिए आज किसी भी तरह का आपको ऑफर दिया जा सकता है, आपको वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी है। आपको सबसे पहले अगर कहीं पर इस तरह का ऑफर मिलता है तो आपको तुरंत वो जगह छोड़ें, ये मैसेज देने के लिए हमने आज ये वीडियो सुनी। अब बताओ मैंने गलत तो नहीं किया? सॉरी रियलाइज हो रहा है, गलती रियलाइज हो रही है? हैं? अब सबको बताओ अपनी तरफ से क्या मैसेज दोगे तुम? दोस्तों आपसे मेरी यही गुजारिश है, कई लड़कियां जॉब के लिए जाती है तो उनके सामने ये चीजें सामने आती है, कई लोग उनके साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वह तुरंत ही उस जगह को छोड़ दे। अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।